हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी और बहुत ही बढ़िया मसालेदार जो तुरई होती है, भरवा तुरई इनको आप कह सकते हैं, वो बनेगी। लेकिन ये टेस्ट में आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे 1 किलो लगभग तुरई ली है हमने, और जहाँ तक हो सके तो थोड़ी पतली तुरई लें और छोटे साइज की लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो मेरे पास थी वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, तुरई को मैंने छील लिया है और छील कर इनको धुल कर आप साफ़ कर लें। उसके बाद इसमें बीच से चीरा लगाना है। तो इस तरीके से हम सारी तुरई में चीरा लगाएंगे। और इसी तरीके से हम जितनी तुरई हैं उनमें चीरा लगाएंगे। यदि तुरई ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको बीच से काट लें पहले और उसके बाद चीरा लगाएं। बस इतना ध्यान रखना है कि तुरई बिल्कुल कटने ना पाए। और जो ये चीरा लगा रहे हैं इसमें ही हम मसाला भरेंगे, तो इसलिए जैसे करेले में मसाला भरते हैं उसी तरीके से इसमें भी भरेंगे। तो आप चाहें तो, आपको कठिनाई हो रही हो तो बीच से चीरा लगाने से पहले तुरई को छोटा कर लें और फिर आप चीरा लगाएं। तो इसी तरीके से सारी तुरई में हम चीरा लगा लेंगे और चलते हैं मसाला देख लें तुरई छीलने के बाद। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 प्याज बड़े और 5-7 कली लहसुन की है, जो कि छील के और काट के हमने रख दिया है। और थोड़े हैं खड़े मसाले, तो ये है खड़ी धनिया और 1/2 चम्मच है कलौंजी, और लगभग 1 चम्मच भर के है सौंफ, और 5 से 6 लाल मिर्च है। और लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और धनिया जो है वो है 2 चम्मच भर के। तो ये है खड़े मसाले थोड़े से, और लहसुन प्याज है साथ में, और थोड़े से मसाले अलग से हैं जो कि ये हम तेल में ऐसे ही डालेंगे। तो इन 3-4 चीज़ों को हमने देखिए, थोड़ा थोड़ा मसाला, कलौंजी है, जीरा है और सौंफ है, इनको अलग रखेंगे और उतने मसाले अलग हैं। तो सबसे पहले इन मसालों को हम रोस्ट करेंगे। तो पैन में हमने डाल दिया है ये मसाले और इनको मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। मसाले जलने ना पाएँ बिल्कुल भी, और बस इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। मसाले भून के डालेंगे तो जो टेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जो अब हम इसको तुरई में भरेंगे। तो ये मसाला आप करेले में भी यूज़ कर सकते हैं और तुरई में। ये भरवा तुरई जो बनती है हल्की ग्रेवी वाली, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मसाला भुन गया है और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि पैन अभी गर्म है तो इसको थोड़ा चलाते रहेंगे, नहीं तो जल सकते हैं। और इन मसालों को अब हम प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे और उसके बाद मिक्सी जार में इनको हमको ग्राइंड करना है। तो इस मसाले के साथ में हम प्याज लहसुन भी पीस लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे और मिक्सी जार में ये मसाले डालेंगे और प्याज लहसुन डालेंगे और साथ में सारा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है और इसमें डालनी है थोड़ी सी जो आमचूर पाउडर होता है, पिसी खटाई होती है पैकेट वाली, वो तो 1/2 चम्मच 1 चम्मच आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ 1/2 चम्मच मैंने डाला है और इसमें आप डालिए तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, यदि आपको खट्टे चीज़ से परहेज ना हो तो। तो इन सब को आपस में मिक्स कर लेंगे। इसमें लहसुन प्याज भुने मसाले और आमचूर पाउडर है, और इसमें हमको डालना है नमक। तो नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, और तुरई में पानी थोड़ा निकलता है और पिचक जाती हैं तो नमक थोड़ा हल्के हाथों डालेंगे। तो जो हमने मसाला तैयार किया है उस मसाले को अब हम इस तुरई में भर देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हम एक एक कर अपनी सारी तुरई भर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग किस तरीके से तुरई बनाते हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन बहुत जगह इसी तरीके से तुरई बनती हैं और ये तुरई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। देखिए, अंदर बहुत अच्छे से मसाला इसके अंदर बैठ जाता है, और इस तरह से दाब दाब के यदि आप भरेंगे तो ये जो मसाला है और इसका नमक है और खटाई है वो तुरई के अंदर तक अच्छे से जाती है।
तो इस तरीके की तुरई आप बना सकते हैं और इनमें पानी भी नहीं डालना पड़ेगा आपको। तो एक एक कर कर हमने सारी तुरइयाँ भर ली हैं। और देखिए सब तुरई भर गई हैं लगभग। अब इनको हम बीच से काट देंगे। एक से दो टुकड़े हैं, छोटी है तो दो दो टुकड़े हैं, और बड़ी तुरई है तो उसके तीन टुकड़े आप कर सकते हैं। मतलब इतने इतने बड़े पीस इनके रखने हैं हमको। तो तुरई सारी काटने के बाद हम फटाफट रख देंगे गैस पे कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे तेल। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है और इसमें डालेंगे जो मसाले हमने कटोरी में निकाल के रखे थे। उसमें आधा चम्मच सौंफ थी, आधा चम्मच जीरा था और 1/4 लगभग कलौंजी थी। तो उतने खड़े मसाले डालने के बाद इसमें डाल दिया है एक कटा हुआ प्याज, और इन सब को आपस में मिक्स करेंगे और थोड़ा डार्क ब्राउन प्याज हो जाए उसके बाद हम इसमें जो सब्जी है वो डालेंगे। तो प्याज का कलर देखिए बदलने लगा है और ये थोड़ा डार्क ब्राउन में आ रहा है, इसका कलर बदल रहा है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। तो आधा चम्मच हल्दी लगभग पड़ जाएगी, तो हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। तो आधा चम्मच हल्दी डाली है और तेल बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए तेल यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है कढ़ाई में, और इसी में अब हम डाल देंगे अपनी तुरई। और इन सबको करेंगे आपस में मिक्स, और गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम। सब्जी में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, गैस की फ्लेम मीडियम है। और देखिए तुरई दोबारा खोल के देखा है तो ये पकने लगी है, इनमें से पानी निकल रहा है। बहुत जल्दी ये सब्जी बन जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है क्योंकि तुरई जानते हैं कितनी जल्दी पकती है। तो अभी थोड़ी पकी है और थोड़ा सा इसको हमको पलटना है, तो एक बार हमने इसको पलट दिया है और दोबारा से इसको हम फिर से ढक देंगे। तो ये थोड़ी देर अभी 5 मिनट और पकेगी। देखिए बिना पानी डाले इसमें ग्रेवी अच्छी खासी हो गई है और हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और सब्जी भी लगभग मेरी तैयार है। और ये देखिए तुरई सारी गल गई हैं। तो ये सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसके साथ आप रोटियां खाएं, बेसन की रोटियां खाएं, चावल खाएं, कुछ भी खाएंगे। देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी है इसकी, और बहुत ही बढ़िया चटपटी सी सब्जी ये तैयार है। और गैस की फ्लेम को अब हम कर देते हैं बंद। सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि आप तुरई की सब्जी कैसे बनाते हैं और कैसी खाना पसंद है, और नेक्स्ट वीडियो हम कैसी बनाएँ। तो सब्जी मेरी तैयार है और मैंने निकाल के रख दी है। आप सबसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।